फ्रेंड्स चलिए आज देखते हैं। रेलवे ने जो फी रिफंड की बात कही थी सभी के लिए अलग अलग था। जिनका 500 लगा था उनका 400 वापस हो जाएगा, जिसका किसी का 400 वापस करना है, किसी का 250 वापस करना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं RRB NTPC फी रिफंड 400 400 रुपीज़ एंड 250 रुपीज़। ठीक है, ये जो NTPC का 2019 में एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया था वो अभी एग्ज़ाम हुआ जाकर, उसका फर्स्ट एग्ज़ाम जिसका हो गया है उन सभी को यहाँ पर क्या करना है, बैंक डिटेल्स भरना है। जिसको भरने के लिए यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, यहाँ पर जिसका OTP वगैरह नहीं है उसको कैसे भरना है ये भी चीज़ बताएंगे यहाँ पर वीडियो में, तो आगे देखने के लिए बने रहें वीडियो पे। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिंक के माध्यम से यहाँ पर ये वेबसाइट खोल चुके हैं। आपको इस वेबसाइट को खोलने के लिए लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप क्लिक करके आप इस लिंक पर जा सकते हैं और यहाँ पर इसका भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ये क्या मांग रहे हैं। यहाँ पर ये रोल नंबर मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये रोल, यहाँ पर देखिए आपका हेल्प डेस्क दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपका हेल्प डेस्क दिया हुआ है, हेल्प डेस्क में कुछ कुछ क्यूरीज है जो कि अक्सर जो स्टूडेंट का क्वेश्चंस रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हेल्प डेस्क, यहाँ पर तो ये हेल्प डेस्क में जाकर देखते हैं क्या है। यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन जो जनरली क्वेश्चंस होते हैं वे सारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आपको बोर्ड द्वारा अवेलेबल किया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउ विल आई नो इफ़ आई एम एलिजिबल टू सबमिट माई बैंक अकाउंट डिटेल, मतलब कि क्या कह रहा है कि क्या यहाँ पर ये कह रहा है, हाउ विल आई नो इफ़ आई एम एलिजिबल टू सबमिट माई बैंक अकाउंट डिटेल। यहाँ पर इसमें जाकर देखते हैं, ठीक है, क्या इसमें बताता है। मतलब इसमें कह रहा है कि कैंडिडेट हु हैड अटेंडेड द फर्स्ट स्टेज CBT ऑफ RRB CAN N1 2019 NTPC, ठीक है, आर ओनली एलिजिबल टू लॉग इन एंड सबमिट दी बैंक डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल फॉर रिफंड ऑफ एग्ज़ाम फी। यहाँ पर क्या कर रहा है कि कौन लोग जो है सो सबमिट कर सकते हैं बैंक डिटेल। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या है कि जो 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 कैंडिडेट जो है फर्स्ट स्टेज CBT फर्स्ट स्टेज जो CBT एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो जो अटेंड किए थे वैसे लोगों को यहाँ पर फिर से अकाउंट डिटेल वगैरह सारा कुछ यहाँ पर सबमिट करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कैंडिडेट हु गॉट देयर एडमिट कार्ड फॉर CBT बट नॉट अपीयर फॉर एग्ज़ाम आर नॉट एलिजिबल टू सबमिट बैंक, मतलब कि क्या कह रहा है कि जो 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 कैंडिडेट यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे लेकिन एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए किसी कारणवश, तो उन लोगों को यहाँ पर नहीं जमा करना है, यहाँ पर डिटेल नहीं भरना है। ठीक है, इसमें दूसरा नंबर क्यूरीज में क्या दिया हुआ है, आई हैव नॉट रिसीव OTP इन माई मोबाइल और ईमेल, हाउ कैन आई लॉग इन टू इंटर माई बैंक अकाउंट। यानी कि जो लोग यहाँ पर अकाउंट मोबाइल नंबर में यहाँ OTP जिनको नहीं मिला है ईमेल में या मोबाइल नंबर में, वे लोग क्या करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, OTP वाज सेंड टू योर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी थ्रू विच यू रजिस्टर फॉर, मतलब कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने टाइम जो मोबाइल नंबर डाला गया था रजिस्टर किया गया तो उसमें आपको OTP गया होगा। अगर इन द केस अगर नहीं गया होगा तो क्या क्या करने बोल रहा है, इफ़ यू हैड नॉट रिसीव OTP क्लिक दी नॉट रिसीव OTP। यहाँ पर क्लिक करना है, एक चेकबॉक्स है बना हुआ उसमें क्लिक करना है जिसमें लिखा हुआ रहेगा साइड में नॉट रिसीव OTP, उस चेकबॉक्स में क्लिक करना है। तो वहाँ से आपको फिर आगे क्या करने के लिए आएगा, प्रमोट इंटर योर मैट्रिक रोल नंबर, मैट्रिक में जो रोल नंबर आप भरे होंगे, मैट्रिक में जो रोल नंबर था जो कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने टाइम भरे होंगे वो रोल नंबर आपको डालना है और फिर उसमें फादर्स नेम डालना है, तो ये आपका वो फिर खुल जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, आई कुड नॉट लॉग इन एज कीप गेटिंग द अलर्ट सेइंग इनवैलिड लॉग इन क्रीडेंशियल, हाउ डू आई प्रोसीड। तो इसका आंसर क्या दे रहा है यहाँ पर, प्लीज़ इंटर, क्या इंटर करने के लिए बोल रहा है कि अगर प्रॉब्लम हो रहा है आपको लॉग इन करने में तो क्या कर रहा है, प्लीज़ इंटर 15 डिजिट रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर डालना है। ठीक है, एडमिट कार्ड जो आपका होगा, एडमिट कार्ड आपका उसमें रोल नंबर लिखा हुआ होगा 15 डिजिट का, ठीक है, उस 15 डिजिट का रोल नंबर डालना, ना कि रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर कर इवन आफ्टर इंटरिंग ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल करेक्टली इफ़ यू आर नॉट एबल टू लॉग इन, कह रहा है कि सारा कुछ अच्छे से मतलब कि सही डालने पर, डिटेल सभी सही डालने पर अगर आप लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं तो मेक श्योर यू अपीयर फॉर CBT, ओनली CBT अटेंड कैंडिडेट आर एलिजिबल टू लॉग इन, मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर, इफ़ यू आर नॉट एबल टू लॉग इन मेक श्योर यू अपीयर फॉर द CBT ओनली
यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर डालना है ना कि रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर अलग था, रोल नंबर यहाँ पर अलग है, वहाँ पर रोल नंबर लिखा हुआ होगा और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ OTP जो आया होगा वो OTP डालना है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का प्रॉब्लम है ये कि OTP ही नहीं आया मैसेज में, मोबाइल में या फिर ईमेल में OTP ही नहीं आया है, तो उसके लिए क्या करेंगे बताते हैं। यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या करना है, कैप्चा डालना है, ठीक है। ये जो कैप्चा है ये कैप्चा यहाँ पर डालना है। और अगर जिनका मोबाइल में OTP नहीं आया है वो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये नोट OTP लिखा हुआ है, नोट रिसीव्ड OTP, इसमें जाकर आपको क्लिक करना है तो ये इस तरह से खुल जाएगा। दिखाते हैं, यहाँ पर ये इस तरह से खुल गया। तो अब क्या करना है, यहाँ पर ये रोल नंबर वही डालना है, डेट ऑफ बर्थ जो होगा उसमें डेट ऑफ बर्थ डालना है, और मैट्रिक में जो रोल नंबर था आपका वो रोल नंबर डालना है, यहाँ फादर्स नेम डालना है और इस कैप्चा को देखकर यहाँ पर भरना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से ये लॉगिन कर देना है, इसको यहाँ पर लॉगिन कर देना है। तो चलिए हम एक यहाँ पर करके दिखाते हैं, यहाँ पर लॉगिन करके यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भर चुके हैं, ठीक है। ये सारा भर कर यहाँ पर इसको हाइड कर दिए हैं, पर देख सकते हैं कि इस तरह से सारा कुछ डालने के बाद लॉगिन किए, उसके बाद जो है सो इस तरह से आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो है रोल नंबर नाम वगैरह सब यहाँ पर वही दिखाएगा, ठीक है। यहाँ जो रोल नंबर है, नाम है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा कुछ वही दिखा देगा आपको। तो ये क्या करना है, यहाँ पर देख लेना, चेक कर लेना एक बार कि वही है या नहीं है, यहाँ पर सारा कुछ वही रहेगा। अब यहाँ क्या करना है, जो आप पिछला भरे हैं वही यहाँ पर जो हाइड कर दिए हैं वहाँ पर यही सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर बैंक का नाम लिखना है, अब अकाउंट नंबर जो डाल रहे हैं वह बैंक अकाउंट नंबर जो किस बैंक का है, ठीक है। उसके बाद अकाउंट होल्डर नाम है, यहाँ पर IFC कोड है, अकाउंट नंबर है, कन्फर्म अकाउंट नंबर है और ब्रांच है, ठीक है। यहाँ पर इसको फिर से ये डाल देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी डालकर यहाँ पर भर के ये रेडी कर दिए, ठीक है। यहाँ पर सारा कुछ भर दिए हैं, अकाउंट होल्डर, IFC कोड, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर दो बार डालना है, ब्रांच नेम जो भी होगा। उसके बाद ये नेक्स्ट यहाँ पर है, ठीक है, इस नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। उसके बाद दिखाते हैं क्या आता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरह से यहाँ पर खुल कर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये खुल कर आ जाएगा, तो यहाँ पर सारा कुछ बताएगा, जितना आप यहाँ पर फिल किए हैं वो सारा कुछ यहाँ पर डाला हुआ रहेगा, ठीक है। और अब क्या करना है, नीचे में यहाँ पर दिख रहा है वो टिक मार्क्स दिख रहा है, यहाँ पर इसको क्या करना है, क्लिक कर देना। उसके बाद फिर यहाँ पर देख लेना, यहाँ सारा कुछ देख लेना, अगर ये सभी सही रहेगा, अगर यहाँ पर ये सभी सही रहता है तो यहाँ कंफर्म सबमिट में क्लिक कर देना। अगर यहाँ में से कुछ अगर गलत हो गया मिला लेना है, क्योंकि एक बार अगर भरने के बाद देखा जाए तो अगर कुछ गलत हो जाता है और फिर सबमिट कर देते हैं यहाँ पर कंफर्म सबमिट में, तो फिर ये दोबारा आपको करेक्शन करने का नहीं देगा कोई चांस। इसलिए यहाँ पर अच्छा से देख लेना है कि ये सही है या नहीं, अगर सही नहीं रहेगा तो यहाँ पर एडिट में क्लिक करना और फिर इसे एडिट करके फिर से इतना सारा प्रोसेस करना, ठीक। उसके बाद फिर कन्फर्म सबमिट में कर देना है। देख सकते हैं कि कंफर्म सबमिट में करने के बाद यहाँ पर क्या आ गया, ये यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर लिख दिया, नीचे में सारा कुछ ऊपर में दिया हुआ रहेगा, जितना आप फिल किए ये सारा कुछ दिया हुआ रहेगा, नीचे में आ गया बैंक डिटेल सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ पर लास्ट में क्या करना है, क्लोज कर देना है, ठीक है। और ये आपका सक्सेसफुली जो बैंक डिटेल्स है सभी एड हो गया।